नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हरदोइया बाजार में एक भीषण हादसा हो गया है। यहां पर एक के बाद एक 6 गैस सिलेंडर फटने से एक दुकान में भयानक आग लग गई है। आग लगने से दुकान संचालक का बेटा बुरी तरीके से झुलस गया है। आग इतनी भयानक लगी है कि 50 फुट ऊंची लपटें उठ रही है। 2 किलोमीटर दूर तक धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है, अफरा तफरी मच गई है। बता दें कि यह हादसा देर रात करीब 9 बजे के आसपास हरदोइया बाजार में सुनील मेडिकल स्टोर के सामने हुआ है। वहीं 6 सिलेंडरों में धमाका होने के बाद लोग डरे हुए हैं, वह दुकान के नज़दीक नहीं जा रहे हैं। ये दुकान पंकज वर्मा की है, वह मितोली गांव नगराम का रहने वाला है। हादसे में दुकान संचालक का बेटा प्रभात बुरी तरीके से झुलस गया है। धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है। आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया और घायल युवक को अस्पताल पहुंचा दिया है। बता दें कि हरदोइया बाजार में जूते चप्पल की दुकान में गैस सिलेंडर की अवैध रिफिलिंग होती थी। मौके पर 11 सिलेंडर थे, इनमें से 6 फट गए हैं। वहीं बाजार में जिस जगह पर यह धमाका हुआ है वहां पूरी तरीके से मार्केट है। बाजार में कुछ पुरानी दुकानें हैं, कुछ नई दुकानें हैं। पंकज वर्मा की दुकान पुरानी थी और इमारत भी काफ़ी जर्जर थी। आग की वजह से दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। जब घटना हुई तब दुकान पर पंकज का बेटा प्रभात था। दुकान बंद करने से पहले उसने चाय बनाई, पास में प्लास्टिक की चप्पल रखी थी। पहले पॉलीथीन में आग लगी, प्रभात ने खुद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। जब तक आग बुझाता इससे पहले ही एक सिलेंडर में आग लग गई। गैस सिलेंडर में आग लगते ही वह ब्लास्ट हो गया। धमाका सुनकर आसपास के दुकानदार भागकर पहुंचे, प्रभात को दुकान से बाहर निकालने का प्रयास किया। तब तक 2-3 सिलेंडर ब्लास्ट हो गए और फिर एक एक करके 6 धमाके हुए। हादसे के बाद लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। फिलहाल दोस्तों पूरे इलाके को सील कर दिया है, भारी पुलिस जाब्ता तैनात है, आग बुझाने का काम चल रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है। अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें, आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।